गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुडाइट। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से सभी से एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। क्या है कि हम आज से एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर, वो कोर्स है इंडियन पॉलिटी पर। इसमें हम आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम जो पढ़ाएंगे वो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। इसी वजह से आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बात यह है कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक क्यों पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाने से ये होता है कि आप लोगों के पास ना कभी भी बर्डन महसूस नहीं होगा और आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप ख़त्म कर सकते हो। आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आप वो पढ़ लो पहले, जो सा अच्छा नहीं लग रहा आप उसको लेटर पढ़ लो, बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो उससे क्या होता है लेंथ भी कम होती है वीडियोज़ की, छोटी छोटी होती है और देखने वाले के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहता। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने कोर्स की, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हु इज ही, दैट इज हु इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब सिंस ही इज़ अ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट होने के लिए यार मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के नाम पे क्या होगा कि सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स हो, मिनिमम है 35, इससे कम नहीं चलेगी। साथ साथ वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए। मतलब ये है सिंपल सा कि जैसे कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई कैंडिडेट है, ठीक है, तो उस समय वो गवर्नमेंट, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट या PSU या अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के होते हैं जैसे कि CBSE, इनमें वो किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। साथ साथ पद पर नहीं होने का ये मतलब है कि ना तो वो वहाँ से कोई सैलरी ड्रॉ कर रहा होना चाहिए, ना उसे वहाँ से किसी भी तरह का कोई बेनिफिट मिल रहा होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरह का कैंडिडेट होता है, एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए। इन केस अगर कोई जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बन जाता है और वो किसी पद पर है पहले से, ठीक है, तो फिर इस केस में उसे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है अपने उससे। अब बात यह है कि ये जो क्लोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। इसकी वजह से कई बार ऐसे MPs हैं, कई बार ऐसे जो विधायक हैं उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। सिंपल सा बात है यार, आप दो जगह दो चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा जो क्लोज है ये आर्टिकल 58 में दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्लोज, बार बार पूछ लिया जाता है, आर्टिकल भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट, यानी जो सिटिंग प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद सिस्टम है, सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ठीक है, गवर्नर ऑफ एनी ऑफ द स्टेट, ठीक है, या कोई भी यूनियन मिनिस्टर या कोई भी स्टेट मिनिस्टर या कोई भी मेंबर किसी भी हाउस का, चाहे वो पार्लियामेंट का कोई हाउस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हाउस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हाउस हो, सभी बंदे एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लड़ने के लिए, ठीक है। इसका एक फाइनेस्ट एग्जांपल हमारे पास रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस समय, ठीक है, जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय ये बिहार के सिटिंग गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे, ये क्योंकि गवर्नर थे तो गवर्नर एलिजिबल होते हैं, ठीक है, तो गवर्नर एलिजिबल होने के क्लोज से इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा और ये प्रेसिडेंट बन गए। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक फैक्ट्स। सबसे पहले जो उनकी टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होती है, ठीक है, जैसे कि जो लेटेस्ट टर्म चल रही है वो चल रही है हमारी 2017 से 2022 तक। उसके बाद जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है वो 5 लाख पर मंथ होती है, ये फिक्स सैलरी है, ठीक है। उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, आप सभी ने देखा होगा जहाँ पे परेड होती है 26 जनवरी वाली, ठीक है, तो आपको पता होगा अच्छे से। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं, ठीक है, या प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाते हैं वो होते हैं CGI, यानी जो CGI है वो प्रिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट की ओथ को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ये आ गया प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो गार्ड, प्रेसिडेंट की जो सुरक्षा होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, सबसे बड़े हमारे देश के सबसे बड़े पर्सन है वो, ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनकी जो सुरक्षा है वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड करती है। अब ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड क्या है, ये एक कैवलरी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। कैवलरी रेजिमेंट मतलब घुड़सवार, देखोगे आपने जब भी प्रेसिडेंट निकलते हैं 26 जनवरी पर तो एक घुड़सवार वाला दस्ता साथ में चल रहा होता है, तो वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा वो उनमें से किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बना है और वो उससे पहले राज्यसभा में मान लो सदस्य है, तो उन्हें अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है, अगेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं
अगला क्लूज, इफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, ये रहा ठीक है वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर हैं और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। इसका एग्जांपल हमारे पास प्रणब मुखर्जी के रूप में था, जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने थे 2012 में, ठीक है, तो उससे पहले वो हुआ करते थे आपके केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को कोई कैसे हटा सकता है, ठीक है, अब प्रेसिडेंट है उनको हटाया भी जा सकता है। पहली चीज़ है कि अगर प्रेसिडेंट खुद ही रिज़ाइन कर दें, पहला वो खुद ही रिज़ाइन कर रहे हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ऐसा हो भी चुका है वीवी गिरी, ठीक है, इन्होंने किया था 1969 में, ठीक है, 1969 में काम हो चुका है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। या फिर दूसरा कोर्स ये है कि उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, वो अगर ऑफिस में हो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो जाकिर हुसैन 1969 में ये भी हो चुका है, ठीक है। तीसरा क्लोज ये है सिंपल कि आप उनका 5 ईयर्स हो जाए कंप्लीट, जैसे कि प्रणब मुखर्जी का हुआ था, तो नॉर्मली उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो अब वो जा सकते हैं। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 ड्यू टू द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट प्रोसेस होता क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है, जो सदन होता है अगर उन्हें लगता है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है, तो वो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, कोई सा भी सदन ला सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, और उस प्रस्ताव को उन्हें पास कराना होता है पहले उस सदन से जिस सदन में वो आया है प्रस्ताव, फिर दूसरे वाले सदन में, अगर लोकसभा में आया तो राज्यसभा में, राज्यसभा में वो प्रस्ताव आया तो फिर लोकसभा से पास, मतलब कि दोनों जो हाउस हैं उनसे वो पास होना चाहिए प्रस्ताव। जाकर वो इस तरह से पास हो जाता है, बकायदे इसमें इंक्वायरी बैठती है, ये देखा जाता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वो सही हैं या नहीं है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनको इम्पीच किया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल 61 आर्टिकल में ये प्रेजेंट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उन्हें हटा सकती है अगर उन्हें ये पता चलता है कि जो उनका इलेक्शन हुआ था उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली या गड़बड़ी हुई थी, ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई केस पाया जाता है, कोई चैलेंज किया जाता है उनके इलेक्शन को और वो सही पाया जाता है उनका चैलेंज किसी का भी, तो ठीक है उनको फिर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग चीज़ें, ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमने उन्हें हटा दिया तो उनकी जगह फिर उस समय वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट अपनी जगह पर नहीं है, मतलब उनको ऑफिस में नहीं है इस समय, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह प्रेसिडेंट का काम करते हैं, ठीक है, ये बात कंफर्म है। सिवाय और सिवाय इसके कि अगर उनकी सिर्फ टर्म कंप्लीट हुई है, अगर उनकी टर्म कंप्लीट हुई है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, उस केस में वो काम करना जारी रखते हैं जब तक कि जो नए प्रेसिडेंट होते हैं वो आ नहीं जाते अपना कार्यभार संभालने के लिए। बाकी केस जैसे कि ये वाला केस हो गया डेथ का या रेजिग्नेशन का या इम्पीचमेंट का या माल प्रैक्टिसेस का, इन केसों में अगर इस तरह से कोई प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह कार्य करते हैं। और जो भी वैकेंसी प्रेसिडेंट की होती है उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिल कराना ज़रूरी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने से ज़्यादा प्रेसिडेंट के तौर पर काम नहीं कर सकते एक साथ। चलिए अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रेसिडेंट पर, ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग इट, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। मिनिमम एंड द मैक्सिमम एज ऑफ द कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिमम एज आपको पता है 35 है और मैक्सिमम एज होती है नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, अगर आप 90 एज की में भी है तो भी आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, ऐसे एकमात्र प्रेसिडेंट जो कि जिनका जो इलेक्शन है वो बिना लड़े हो गया, बिना चुनाव लड़े हो गया था, ठीक है, जो उनका जो चयन है, ठीक है, तो वो है नीलम सिंह जीवा रेड्डी, ठीक है, एन एस रेड्डी भी कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इनका नाम एन एस रेड्डी है, नीलम संजीवा रेड्डी है, ठीक है। द ओनली सी जी आई टू बी सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभाला था, ठीक है। क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट भी नहीं होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते हैं, तो इस केस में जो सी जी आई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका ये जिम्मा होता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कार्यभार संभालें, तो वो हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, इन्होंने ये कार्यभार संभाला था। अच्छा, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 में इसकी बात हुई थी, ठीक है, और ये कब होता है, जब हमें लगता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, ठीक है। कंटेंट आर्टिकल हो गया 61, ठीक है। द ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व फॉर द 2 टर्म्स, एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने लगातार 2 कार्यभार संभाले हैं वो है राजेंद्र प्रसाद, शुरू की बात है, ठीक है, तब संभाले थे। द प्रेसिडेंट व्हेन इंटरनल इमरजेंसी 1975, जो अब हमें पता है कि जो 1975 में हमारे देश में एक इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है,
तो जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही लगाई जा सकती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल एंड हिज काउंसिल। तो जो इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी इमरजेंसी लगाने की। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे जिनके उस पर साइन थे इमरजेंसी वाले ऑर्डर पर, वो हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ, हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। लेकिन एक बात साथ साथ याद रखनी जरूरी है, जब हम ये बोलते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है, तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो तीन टर्म से मिलते हैं, पहली राज्यसभा, ठीक है, दूसरा लोकसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीन चीज़ें से, अगर जो हमारा पार्लियामेंट है वो तीन उससे बनता है, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और ये आपका प्रेसिडेंट। चलिए आगे कर लेते हैं, विच आर्टिकल विच इंट्रोड्यूस द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में ये बात हुई है कि प्रेसिडेंट का मतलब उल्लेख किया गया है, प्रेसिडेंट का स्टार्ट किया है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है। ठीक है, और लास्ट में हाउ ए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, इनडायरेक्टली विद इन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली इनका चयन किया जाता है। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, पार्लियामेंट में जो होते हैं, संसद में, ठीक है, ये सब लोग मिलके करते हैं इनका चयन, ये मतलब ये वोट डालते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, इसी वजह से इनडायरेक्टली बोला जाता है। ठीक है, और इन सबको मिला के अगर हम सारे सदस्यों को जोड़ दें तो ये इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करना करेंगे हम प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर, कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं और वो उनका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।